आज हम विद्युत मोटर या दिष्ट धारा मोटर डीसी मोटर का परिपथ चित्र बनाएंगे। बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो विद्युत धारा मोटर का चित्र कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से गोला खींच लीजिएगा, इस तरीके से देखिए। ये आपने गोला लिया और गोला लेने के बाद में इस तरीके से ये यहाँ आप चार रेखाएं खींच लीजिएगा। क्या किया आपने, सबसे पहले एक गोला बनाया और गोला बनाने के बाद इस तरीके से ये चार लाइन बनाइए। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से ये वाले हिस्से को रबर से आप मिटा दीजिएगा, ये वाला हिस्सा इतना इतना आप रबर से मिटा दीजिएगा और नीचे से भी आप इतना इतना रबर से मिटा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या किया आपने, सबसे पहले क्या किया, एक गोला बनाया और गोला बनाने के बाद में इस तरीके से चार रेखाएं बनाई और उसके बाद रबर से उसको क्या किया, मिटा दिया। तो मिटाने के बाद आपका जो शेप बनकर आया वो ऐसा हो गया। तो सबसे पहले आपने ये वाला गोला बनाया, ये वाला गोला बनाने के बाद ये चार लाइन बनाई और चार लाइन बनाने के बाद ये रबर से इसको क्या किया, मिटा दिया। तो इस तरीके से आपका बेसिक स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया है। अब इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर आप इस तरीके का स्ट्रक्चर अंदर की तरफ बनाएंगे, ठीक है। मतलब आप ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आयत का एक स्ट्रक्चर है, ये आयत का स्ट्रक्चर आप यहाँ बनाएंगे और यहाँ बनाने के बाद यहाँ इस जगह रबर से इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो इस तरीके से एक हमारे आर्मेचर ये यहाँ तैयार हो जाएगा। मतलब यहाँ आपको चुंबक के ध्रुवखंड इस तरीके से बना लेना है अवतल बेलनाकार, और यहाँ आपको जो है ये आयत का चित्र इस तरीके से बनाना है, तो आपका आर्मेचर रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर लेना है और फिर ये रबर से इसको आप क्या कीजिएगा, मिटा दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका आर्मेचर रेडी हो जाएगा। आर्मेचर रेडी होने के बाद आप क्या करेंगे कि जो आपका ये आपका आर्मेचर का स्ट्रक्चर आपने रेडी कर लिया, आर्मेचर का स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद में आप बनाएंगे विभक्त वलय। तो आप क्या करेंगे, एक रिंग लेंगे इस तरीके से, एक रिंग, और रिंग को दो भागों में जब हम बांटते हैं, मतलब वलय को जब दो भागों में बांटते हैं तो वो हो जाता है विभक्त वलय। तो इसको दो भागों में बांटेंगे और एक हिस्सा यहाँ लगाएंगे और एक हिस्सा यहाँ लगाएंगे, इसीलिए इसको कहा गया है विभक्त वलय। और ये आर्मेचर के साथ क्या होता है, घूमता भी है। तो यहाँ इसको बिल्कुल इसके साथ अटैच करके लगाना है, बिल्कुल जोड़ के लगाना है, क्योंकि ये आर्मेचर के साथ साथ क्या होता है, घूमता है। तो देखिए विभक्त वलय मैंने यहाँ लगा दिया है, ये देखिए विभक्त वलय मैंने लगा दिया, ठीक है, ये विभक्त वलय दोनों तरफ। अब ये आर्मेचर के साथ साथ क्या होते हैं, घूमते हैं। तो ये विभक्त वलय हो गया, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं S1 और S2, नाम बाद में हम देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, ब्रशेस बनाना है। तो ब्रश के लिए एक छोटा आयत इस तरह का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, है ना, और वो एक यहाँ लगाना है और एक यहाँ लगाना है। तो चलिए ब्रश भी रेडी कर लेते हैं, ये ब्रश हमारे यहाँ लग गए, ठीक है। तो यहाँ हमने अपने ब्रश लगा दिए। अब ये बाहर का परिपथ हमें पूरा करना है। तो बाहर का परिपथ पूरा करने के लिए जैसे एक वायर इधर, एक वायर इधर, ठीक है, उसके बाद में एक वायर किधर आएगा, नीचे की ओर, फिर एक वायर इधर से भी किधर आएगा, नीचे की ओर ले आइए, ठीक है। फिर ये वाला स्ट्रक्चर पूरा करेंगे, ये एक वायर इधर, एक वायर इधर, ये देखिए आप दोनों तरफ से एक एक वायर लेकर आइए। और इस जगह अब हमें पता है कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो हमें विद्युत देना पड़ेगा, विद्युत ऊर्जा देना पड़ेगी। तो विद्युत ऊर्जा देने के लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, सेल या बैटरी लगाना पड़ेगी। तो यहाँ आप एक सेल बना दीजिएगा और सेल के साथ में एक कुंजी लगाना है। तो देखिए ये हमने सेल बनाया, सेल में ध्यान रखिएगा एक डंडा लंबा, बड़ा लंबा डंडा और एक डंडा छोटा, जो बड़ा डंडा है उसकी तरफ धन और छोटे डंडे की तरफ ऋण, क्योंकि बड़े डंडे की तरफ विभव ज़्यादा है तो वो आपका जो है प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, और इसीलिए उसकी लंबाई भी हमने ज़्यादा रखी हुई है। और यहाँ पर इस जगह एक कुंजी लगा दीजिएगा, तो ये इस तरीके से आप एक कुंजी लगाइएगा, तो ये आपकी कौन सी कुंजी है, बंद कुंजी है, ठीक है, मतलब विद्युत धारा इससे प्रवाहित होगी, मतलब इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है ये संकेत बताएगी, तो इसलिए डॉट भी लगाइएगा। तो देखिए ये आपके रूढ़ चिन्ह भी रेडी हो जाएंगे, ये आपका सेल का रूढ़ चिन्ह हो जाएगा, ये आपके बंद कुंजी का रूढ़ चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर आप एक तार द्वारा वापस से क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये प्लस हमने इधर लिया है और माइनस इधर लिया है। अब चूंकि आपने इधर प्लस ले लिया है तो यहाँ से ये विद्युत धारा का प्रवाह इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे ऐसे होते हुए आएगी। तो तीर के निशान लगा दीजिएगा धन की साइड से, ये देखिए ये लगाया मैंने। अब मैं इधर लेते हुए एक आप यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है, एक आप ये यहाँ नीचे की तरफ ला के लगा दीजिएगा और एक इस जगह भी लगा दीजिएगा ये यहाँ। तो ये आपको फ्लो जो है, जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह किधर से किधर हो रहा है ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कीजिएगा कि आप ये बताइएगा कि ये धारा का प्रवाह होने से फिर ये जो आर्मेचर घूमता है किस तरफ घूमता है। तो उसके लिए एक पतली सी रेखा यहाँ बनाकर एक ऐसा बता दीजिएगा कि इस तरीके से ये घूमता है। तो एक
ऐसी एक पतली सी रेखा खींचने के बाद में इस तरीके से आप बता दीजिएगा कि ये वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज ये यहाँ आर्मेचर घूमेगा। तो ये आपका विद्युत मोटर का परिपथ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे इसमें कि नामांकन कर दीजिएगा, तो ये N और S आपके प्रबल क्षेत्र चुंबक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये N S इनको नाम दे दीजिएगा, उसके बाद में फिर ये आर्मेचर को आप नाम दे दीजिएगा ABCD, ठीक है। तो ये आर्मेचर आपका हो गया ABCD, और ये आर्मेचर ABCD नाम दे दिया आपने। फिर ये यहाँ पर ये ब्रश B1 और B2 और ये सर ये विभक्त वाले आपके S1 और S2 इनके नाम दे दीजिए, ये B1 B2 ये S1 S2, ठीक है। और यहाँ इसको आप क्या कहेंगे कि ये हमारा सेल है, ये हमारी कुंजी है। और सारे नाम को अगर एक बार आप इस तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख दीजिएगा NS प्रबल क्षेत्र चुंबक, S1 S2 विभक्त वलय, B1 B2 ब्रश और ABCD आर्मेचर। तो इस तरीके से आप अपने विद्युत मोटर का जो परिपथ चित्र है वो हमें सीखने में ज़्यादा सुविधा रहेगी।